छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम व्याकरण जो व्याकरण देखने वाले हैं उसका नाम है संधि। तो यहाँ पर हम संधि की परिभाषा देखने वाले हैं, उसके भेद देखने वाले हैं। और देखो, यहाँ पर संधि की परिभाषा दी है, वो है दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखो, समास और संधि में क्या फर्क है। समास यानी दो शब्दों का मेल, और संधि यानी दो वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती यानी निकट के, जो नज़दीक के वर्ण है वो एक दूसरे से जोड़े जाते हैं तब संधि कहलाते हैं वर्ण। तो वर्ण आपको पता है, वर्ण वर्ण में क्या होता है, स्वर और व्यंजन, यह वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया है, उस उदाहरण के द्वारा हम संधि किसे कहते हैं वो समझाते हैं। देखो, यहाँ पर विद्या धन अर्थी शब्द क्या है, विद्या धन अर्थी, तो शब्द बनता है विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए विद्या, यहाँ पर द्या में कौन सा स्वर छिपा है, आकाश स्वर छिपा है, बराबर है। देखो यहाँ पर इस शब्द में जो स्वर छिपा है वो अ है, तो इन दोनों को, यह दो स्वर एक दूसरे से मिलते हैं और शब्द बनता है विद्यार्थी। तो यह हुआ संधि, यह हुआ संधि विच्छेद। संधि विच्छेद अलग अलग लिखा है और यह जो शब्द बनता है वो क्या है, संधि। देखो इस दूसरे उदाहरण में देखिए, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, यहाँ इस क में अ का स्वर छिपा है और यहाँ पर आ है, तो दोनों मिलकर यहाँ के शब्द बना है पुस्तकालय। तो संधि क्या बनी, पुस्तकालय। तो पुस्तक धन आलय यह क्या है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो देखिए संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के, तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ऐसे तीन भेद संधि के होते हैं। तो आज हम जो संधि के भेद देखने वाले हैं उसमें स्वर संधि के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में भी। हमने देखा कि संधि के तीन भेद है, उसमें से स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम अब स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसकी परिभाषा, दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। होने वाले विकार यानी परिवर्तन, दो स्वरों के मेल से, स्वर पता है आपको 11 स्वर हैं, तो इन दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन शब्दों में उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। तो स्वर संधि के भी पांच भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, पांच भेद हैं। तो यहाँ पर पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो हम इस वीडियो के द्वारा दो भेदों की जानकारी लेने वाले हैं, संधि स्वर संधि के दो भेदों की जानकारी लेने वाले हैं। एक है, पहली है दीर्घ संधि और दूसरा गुण संधि, इन इसके बारे में जानकारी लेंगे। और जो बाकी बचे हुए संधि हैं स्वर संधि के जो भेद है वो हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर। देखो यहाँ पर स्वर संधि का पहला भेद है, भेद जो है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ, ई और उ हैं, छोट अ, ई और उ के साथ अगर दीर्घ स्वर आता है तो जो बनने वाला संधि जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, आ का स्वर हो जाएगा, ई का स्वर हो जाएगा और उ का स्वर हो जाएगा। ये सभी दीर्घ स्वर हैं, ये क्या है, दीर्घ स्वर हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं, भाव धन अर्थ, यहाँ पर शब्द ध्यानपूर्वक देखिए, भाव धन अर्थ, यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, वह है, इसमें कौन सा स्वर छिपा है, अ का स्वर छिपा है। तो देखिए इसमें अ का स्वर छिपा है और इससे इसमें कौन सा स्वर है, अ का स्वर है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, यहाँ भी अ है यहाँ भी अ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, आ का स्वर बनेगा, क्या बनेगा, आकाश्वर बनेगा। तो यहाँ पर शब्द बना है भावार्थ, शब्द बना है भावार्थ।
देखो दूसरा उदाहरण है हिम जोड़ आलय, हिम धन आलय, तो इसका क्या बनेगा? देखिए हिमालय बराबर है, हिमालय शब्द बनेगा। देखिए हिमालय, क्योंकि यहाँ पर अ है, अ का स्वर है और यहाँ पर आ है, तो दोनों के जोड़ से क्या बनेगा? आ, दीर्घ स्वर ही बनेगा। यहाँ पर अ है और आ से मिला है तो दीर्घ स्वर कौन सा है? आ का है, आ ही यहाँ पर आएगा, हिमालय शब्द बनेगा। संधि बनी है हिमालय और संधि विच्छेद है हिम धन आलय। यहाँ पर देखिए महाधन आशय, महाधन आशय, यहाँ पर आ का स्वर है, यहाँ पर आ का स्वर है, तो दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? महाशय। इस ह को आ का स्वर लगेगा और शब्द बनेगा महाशय। गिरी धन ईश, यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, तो यह दोनों कौन सा? यहाँ पर पहली ई यानी छोटी ई की ई का स्वर है, यहाँ पर बड़ा ई का स्वर है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? बड़ा ई। तो यहाँ पर शब्द बनेगा गिरीश, शब्द इस तरह से बनेगा, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर दी जाएगी तो शब्द बनेगा गिरीश। यहाँ पर देखो मत धन अनुसार, तो यहाँ अ का स्वर है, यहाँ भी अ का स्वर है, तो शब्द बनेगा मतानुसार। दीर्घ स्वर आप ध्यान में रखिए कौन कौन से हैं? आ, ई और उ, इसे ही दीर्घ संधि कहा जाएगा। यह अगर ऐसे संधि बनती हैं, ऐसे शब्द अगर बनते हैं तो वो कौन से होंगे? दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। या देखो वधूत्सव, इसमें दूसरे उ की मात्रा लगी है, दूसरा उ का स्वर छिपा है, यहाँ पर उ है, पहला छोटा उ है, तो यहाँ पर शब्द बनेगा वधूत्सव। देखिए दया धन आनंद, आ यहाँ भी आ है, तो शब्द बनेगा दयानंद। यहाँ देखिए परीक्षा, क्षा में आ का स्वर छिपा है और यहाँ भी अ है, तो अ और आ मिलकर आ ही बनेगा परीक्षार्थी, शब्द बनेगा परीक्षार्थी। रजनी धन ईश बनेगा, शब्द बनेगा रजनीश। मही धन ईश, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई है, तो शब्द बनेगा महीश। तो बच्चों ध्यान में रखना है सिर्फ बड़ी बड़ा ही स्वर आएगा इसमें, आ ई और उ, यह अगर होगा तो यह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि ही कहलाएगी। तो यहाँ हमारा यह दीर्घ संधि यह पूरा होता है। अब देखते हैं गुण संधि। देखो स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। इसमें अगर ए ओ अर यह अगर हो रहे हैं संधि करते वक्त, तो यह समझिएगा गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, दीर्घ संधि में हमने देखा कि वो निकट के थे, जो दो स्वर एक दूसरे के साथ मिल रहे थे वो निकट के स्वर थे, पर अभी यह निकट के स्वर नहीं है, यह दूर दूर के स्वर है, तो यहाँ पर अ का है और यहाँ पर ई का है, दोनों में अंतर बहुत है, अ और ई, तो ये दोनों जब मिलेंगे तब क्या होगा? ए का स्वर हो जाएगा, तो यहाँ पर नरेंद्र शब्द बना है। देखो यहाँ पर ए का स्वर लगा है तो शब्द बना नरेंद्र। अ और ई मिलकर ए बनते हैं, तो यहाँ पर शब्द बना नरेंद्र। दूसरा है सुर धन ईश, सुर धन ईश, यहाँ भी वैसे ही होगा, अ और ई मिलकर क्या बनेंगे? ए का स्वर बनेगा, तो यहाँ शब्द बनेगा सुरेश। देखो लंका धन ईश, लंका धन ईश, यहाँ पर आ है और यहाँ ई है, तो क्या बनेगा? आ और ई मिलकर ए बनेगा, क्या बनेगा? ए बनेगा, तो शब्द बनेगा लंकेश। देखो यहाँ पर अ है, यहाँ उ है, और अ और उ मिलकर क्या बनता है? ओ का स्वर बनता है, यहाँ
अ का स्वर है, यह इस शब्द में उ है, तो क्या बनेगा? ओ का स्वर बनेगा, तो शब्द बनेगा परोपकार। यह ध्यान में रखो, कुछ नियम हैं संधि करते समय, गुण संधि के भी नियम हैं। अगर अ और ई मिलते हैं तो ए बनता है, आ और ई मिलता है तो भी ए ही बनता है, अ और ऊ मिलता है तो ओ बनता है, अ और बड़ा ऊ मिलता है तो ओ ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए, नर धन ईश, यहाँ क्या बनेगा? अब यहाँ पर अ है और ई है, पहले ही उदाहरण जैसे हैं, तो यहाँ बनेगा नरेश। यहाँ पर देखिए छठा उदाहरण है, यथा धन उचित, यहाँ आ का स्वर है, यहाँ ऊ का स्वर है, तो आ और ऊ मिलकर बनता है ओ, तो शब्द बनेगा यथोचित। देखिए महा धन उत्सव, आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा? महोत्सव। यहां देखिए राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र, तो यहाँ ई है, यहाँ आ है, आ और ई मिलकर क्या बनते हैं? ए बनता है, तो शब्द बनेगा राजेंद्र। देखिए और जो है, और कैसे बनता है? यहाँ राजा शब्द है और ऋषि, राजा अंत में क्या है? आ स्वर है, और यहाँ रू का स्वर है, री का स्वर है, तो राजा, यहाँ आ और री मिलकर अर का उच्चारण होता है, तो शब्द बनेगा राजर्षि, शब्द बनेगा राजर्षि। यहाँ देखिए जो अर लगाया जाएगा वो यहाँ पर रफार के द्वारा लगाया जाएगा, देव धन ऋषि, तो यहाँ पर होगा देवर्षि, तो यहाँ होगा देवर्षि। देखो देवर्षि, अर का उच्चारण यहाँ पर होता है। तो ये हुआ हमारा गुण संधि। इस वीडियो के द्वारा हमने आज स्वर संधि के दो भेदों की जानकारी ली है, इसमें दीर्घ संधि और दूसरा है गुण संधि। अब अगले वीडियो में हम देखने वाले रुद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ हमारा स्वर संधि के जितने भी भेद हुए हैं आपको आपके नोटबुक में लिखकर लेने हैं।